हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन। यह मूवी हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कॉन्स्टेंटिन मूवी एक हॉरर फैंटेसी थ्रिलर है, जिसे डायरेक्ट किया है फ्रांसिस लॉरेंस ने। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इसका मेन कैरेक्टर है जॉन कॉन्स्टेंटिन, जो कि सचमुच हेल जाके वापस पृथ्वी पर आता है और ह्यूमैनिटी की रक्षा डीमन से करता है और उन्हें मारकर वापस हेल भेज देता है, और ऐसे पैरानॉर्मल केसेस में वह पुलिस की भी मदद करता है। वही डिटेक्टिव डॉटसन को यह साबित करने के लिए जॉन की मदद की जरूरत है कि उनकी ट्विन सिस्टर इसाबेल ने सुसाइड नहीं की थी, तो वह दोनों साथ में मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसाबेल का मर्डर किसने किया और क्या राज है इन सब घटनाओं के पीछे। जॉन को पता चलता है कि डीमंस इंसानी दुनिया में आने के लिए लोगों को अपना जरिया बना रहे हैं। जॉन का यह इन्वेस्टिगेशन उनको सीधे शैतान लुसिफर के साथ संघर्ष में ले जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंटिन मूवी के स्टार कास्ट की। फिल्म में मेन लीड रोल में है कियानू रीव्स, जो कि जॉन कॉन्स्टेंटिन का किरदार निभा रहे हैं, और वहीं उनके साथ रेचल वेज, जो कि इजाबेल और एंजेला के किरदार में नजर आएगी। फिल्म में उनका डबल रोल है, जो कि फिल्म में ट्विन सिस्टर का रोल प्ले कर रही है। सिया लाउफ जॉन के ड्राइवर और सहायकर्ता का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में उनका नाम चार्ल्स क्रेमर है। वही प्रूट टेलर विंस, जो कि फादर हेनसी के किरदार में हमें नजर आएंगे। गेविन रोजडेल एक डीमन का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में उनका नाम बेल्थाजार है। और टिल्डा स्विंसन फिल्म में गैब्रियल नाम की एक एंजल का रोल प्ले कर रही है। और आखिर में आते हैं पीटर स्टोरमोर, जो कि फिल्म में एक शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टेंटिन मूवी की रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के तरफ। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति को दिखाकर होती है जो मैक्सिको में किसी रेगिस्तान में काम कर रहा है। उसका नाम है स्कैवेंजर। उसको एक डैगर मिलता है, जिसके छूते ही उसके अंदर एक कमाल की शक्ति आ जाती है। उसके हाथ में एक डेमोनिक साइन बन जाता है और वह शहर की तरफ एक मकसद पूरा करने निकल पड़ता है। वह डैगर जिसके भी पास हो, वह एक तरह से इमोर्टल बन जाता है। फिल्म का मेन कैरेक्टर जॉन कॉन्स्टेंटिन एक तोहफे, या फिर हम कह सकते हैं कि अभिशाप के साथ जन्मा था। वह एंजल और डीमंस को देख सकता था, जो कि इंसानी रूप में धरती पर जी रहे थे। जॉन जब चाइल्ड था, तब यह सब बातें समझ नहीं पाया और उसको लगने लगा कि वह पागल है। तो जॉन ने सुसाइड करने की कोशिश की और एक तरह से बहुत बड़ा पाप कर लिया। अनजाने में उसकी जान बच तो गई, पर उसने नर्क की सैर कर ली थी। जॉन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां आ जाती है और वह बन जाता है धरती का रखवाला। कोई भी डीमन या फिर एंजल डायरेक्ट धरती की लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता था। वह लोग धरती पर सिर्फ गॉड और डेविल की मर्जी से ही रह सकते थे। जब भी कोई डीमन यह रूल तोड़ता था, तो जॉन उसको वापस हेल भेज देता था। पुलिस डिपार्टमेंट भी जॉन को ऐसे स्पेशल और सुपरनेचुरल केसेस में इन्वॉल्व रखते थे। पुलिस डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर एंजेला का विश्वास था कि स्पिरिट और डीमंस इस धरती पर खुलेआम घूम रहे हैं। एंजेला को बहुत सारे विजन्स भी आया करते थे, और उसका ताल्लुक एंजेला की ट्विन सिस्टर इसाबेला की सुसाइड से होता है। किसी तरह से एंजेला को पता चलता है कि जॉन स्पिरिट्स को देख सकता है, और एंजेला भी यह सब देखना चाहती थी। जॉन एंजेला की बात मानकर उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, और अब ह्यूमैनिटी को बचाने का काम इन दोनों पर आ जाता है। लॉस एंजेलस में रहने वाला जॉन एक चैन स्मोकर होता है। उसके पास एक और शक्ति भी थी, वह हाफ बीट को देख सकता था। जॉन सबकी मदद करता था, पर उसकी वजह यह नहीं थी कि वह सबकी फिक्र करता था। वह यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि बचपन में जो सुसाइड करने का पाप उसने किया था, जिसकी वजह से उसे हेल जाना पड़ा था, तो वह श्राप बदलने के लिए और हेवन जाने के लिए अपने असिस्टेंट चेयर्स के साथ मिलकर सबकी मदद करता है। जॉन बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, और डॉक्टर ने भी जॉन को बताया था कि उसको लंग कैंसर है और उसके पास अब कुछ ज्यादा वक्त नहीं है। अब जॉन जब भी किसी भी प्रकार के कोई डाउट में होता था,
तो वह एक हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल की मदद लेता था। गैब्रियल का कहना था कि इंसानों की मदद करने से उसके पाप नहीं धुलेंगे और जॉन जो भी सब ये कर रहा है वह अपने स्वार्थ की वजह से ही कर रहा है क्योंकि उसे स्वर्ग जाना है। जॉन एक क्लब में जाता है जहां पर काफी सारे हाफ ब्रीड्स रहते थे। यहां पर जॉन मिलता है पापा मिडनाइट नाम के एक व्यक्ति से जो कि एक पिशाचों के डॉक्टर से कन्वर्ट होकर इस क्लब का मालिक बन गया था। धरती पर डीमंस की बात पापा मिडनाइट एक्सेप्ट नहीं करता और वहीं पर जॉन की मुलाकात होती है एक हाफ ब्रीड डीमन बेल्टाजार से। वह दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। जॉन ने अपने एक फ्रेंड फादर हेनेसी को एक काम सौंपा था और वह पहुंच जाता है मुर्दागढ़ में जहां पर इजाबेल की लाश होती है। इजाबेल के हाथ पर एग्जैक्ट वही निशान था जो पहले स्कैवेंजर के हाथ पर था। इस निशान को छूते ही फादर की हालत बिगड़ने लगती है जैसे कि वह कोई ऐसी जगह पर ट्रैप हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि फादर हर चीज को छूकर उसको महसूस कर लिया करते थे। लेकिन मरने से पहले फादर ने अपने हाथ पर एक निशान बनाया था जो कि एक हिंट थी इन सभी हो रही चीजों और घटनाओं पर। जॉन को अब पता चल जाता है कि एंजेला भी उसकी ट्विन सिस्टर इजाबेले के जैसे ही साइकिक है और इन दोनों को ही विजन्स दिखते थे। पर इजाबेला को डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे तो उसने कभी भी अपनी यह शक्ति का इजहार किसी के सामने नहीं किया था। हेनेसी की मदद से जॉन जान जाता है कि यह सब शैतान के बेटे मेमन का किया हुआ है जो कि इन डीमंस को कंट्रोल कर रहा है और उसका मकसद था अपनी किंगडम धरती पर बसाना। एंजेला जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वह भी फिर से वह पावर वापस चाहती है कि जिससे वह डीमंस और एंजल्स को देख सके। जॉन भी उसकी मदद करता है और वह एंजेला की पावर कुछ भी करके वापस ला देता है और एंजेला को नर्क का द्वार दिखा देता है। अब एंजेला को भी सारे डीमंस दिखने लगते हैं। एंजेला का अपनी बहन के सुसाइड को लेकर परेशान रहने का कारण यह भी था कि उसके यहाँ सुसाइड को एक अपराध माना जाता था। तो एंजेला जॉन की मदद से यह साबित करना चाहती थी कि यह सुसाइड नहीं पर मर्डर था। जॉन हेल जाता है तो उसे वहां एंजेला दिखाई देती है और जॉन कंफर्म करता है कि इजाबेला ने सुसाइड ही किया था। जॉन नर्क में एक बिल्ली और पानी की मदद से जाता है क्योंकि बिल्ली नर्क और धरती के दरवाजे की रखवाली करती है। कॉन्स्टेंटिन बेल्टाजार से पूछताछ करता है तो वह सब सच बता देता है कि शैतान का बेटा मेमन एक इंसानी शरीर में है और उसने स्पीयर ऑफ डेस्टिनी पा ली है जिसके अंदर क्राइस्ट ब्लड है और एंजेला से मिलते ही वह इस धरती पर आ जाएगा। उसी बीच एंजेला अंदर आ जाती है और मेमन उसे किडनैप करके ले जाता है। अब जॉन को पता चल गया है कि शैतान का बेटा मेमन लॉस एंजेलस में आ चुका है और वह कैसे इस दुनिया में आएगा और अपनी किंगडम स्थापित करेगा वह भी उसे पता चल जाता है। तो वह सीधा जाता है इजाबेल वाले हॉस्पिटल में जहां पर मेमन धरती पर आने के लिए एंजेला की बॉडी का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब जॉन और उसका असिस्टेंट चार्स काफी सारे हाफ डिमंस को खत्म कर देते हैं और मेमन को रोक तो नहीं पाते पर एंजेला के शरीर के अंदर से डिमन को शांत करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच में चार्स की जान चली जाती है। अब जॉन अपने हाथ पर बने निशान से एंजल गैब्रियल को वहां पर बुलाने को फोर्स करता है पर गैब्रियल खुद ही मेमन की मदद कर रही थी। गैब्रियल जॉन को बताती है कि गॉड बहुत कमजोर है इसलिए इंसान यहाँ गलतियां करता रहता है और उसको माफी मिलती रहती है। गैब्रियल का यह मानना था कि इस धरती पर हेल लाने के बाद इंसानों का गॉड पर विश्वास फिर से हो जाएगा और शांति बनी रहेगी। गैब्रियल जॉन को रूम से बाहर फेंक देती है और मेमन को स्पीयर ऑफ डिस्टिनी के जरिए इस दुनिया में वापस लाने के लिए काम शुरू कर देती है। जॉन अपनी कलाई काटकर लूसिफर को धरती पर आने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही गैब्रियल मेमन को आजाद करने वाली थी तभी लूसिफर खुद आ जाता है और वक्त थम जाता है। जॉन लूसिफर को मेमन के पृथ्वी पर राज करने के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। अब लूसिफर गैब्रियल के पास जाके सब कुछ रोक देता है। गैब्रियल भी लूसिफर से लड़ाई करती है पर
उसकी पावर खत्म हो चुकी है, क्योंकि गैब्रियल ने गॉड के खिलाफ जाके एक डेमन की मदद की थी। गुस्से में आकर लूसिफर गैब्रियल के पंख जला देता है और अपने बेटे मेमन को वापस हेल भेज देता है। लूसिफर खुश होकर जॉन को एक विश देता है, लेकिन जॉन खुद की जिंदगी बचाने की जगह इजाबेल की आत्मा को हेवन में भेजने की रिक्वेस्ट करता है और लूसिफर इजाबेल की आत्मा को नर्क से आजादी दे देता है। अब लूसिफर जॉन को खींचकर हेल में ले जा रहा होता है, तभी हेवन के द्वार खुल जाते हैं और जॉन को लूसिफर खींच नहीं पाता और समझ जाता है कि जॉन ने किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है और अपने सारे पाप दूर कर लिए हैं। अब गुस्से में आकर लूसिफर जॉन का लंग कैंसर बिल्कुल ठीक कर देता है और ना चाहते हुए भी उसको एक जीवनदान देना पड़ता है, यह कहते हुए कि जॉन तुम पाप और गलत किया तो करोगे ही और तब तुम्हारी आत्मा हेल ले जाने के लिए मैं खुद आऊंगा। वन एंजेला को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी किसी सेफ जगह पर छुपाने के लिए दे देता है और अब वह सिगरेट छोड़कर च्युइंगम खाने लगता है। जॉन जब चास की कब्र के पास खड़ा होता है तब चास एक एंजल की तरह हेवन में उठता दिखाई देता है। तो बस यही है कॉन्स्टेंटिन मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।